दोस्तों आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूअर में और आज हम लोग देखेंगे आपका रैंकर सीरीज नंबर 41 जिसमें हम लोग लाए हैं बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन तो इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों वो बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर है और जो आपके अभी दो और आएंगे रैंकर सीरीज तो उस पर भी इसके ही क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ दोस्तों इनकी संख्या भी ज़्यादा है इंपॉर्टेंस की तो इसलिए दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको फिफ्टी टू सिक्सटी क्वेश्चन में इसको यहाँ पर पूरा किया जाए क्योंकि ये बायोमेडिकल इंस्ट्रो टेशन क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जामिनेशन में और इसका कोई अलग से वो सेक्शन नहीं है जिसमें कैंडिडेट वहाँ पे ध्यान दे सके तो इसलिए दोस्तों इसको आप अच्छे से करिएगा इसमें मैंने मिनिमम ट्वेंटी क्वेश्चन ही यहाँ पे रखे हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका रैंकर सीरीज़ आएगा तो उसमें कोशिश करूँगा कि ट्वेंटी टू थर्टी क्वेश्चन वहाँ पर रखे जाएँ तो चलो दोस्तों देख लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर मेजर्ड विद रेस्पेक्ट टू विच रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो क्वेश्चन कह रहा है कि जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हैं तो वो किसके रेस्पेक्ट में मतलब कि किसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान के मेजर करते हैं कैलोमेल इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन एब्जॉर्ड ऑन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या प्लेटिनम इलेक्ट्रोड तो दोस्तों इन चारों में से हमें वो इलेक्ट्रोड चूज़ करना है जिसे हम रेफरेंस मानते हैं रेफरेंस की वैल्यू हम जीरो मानेंगे और उसके ही रेस्पेक्ट में हम जिसको भी मेजर कर रहे हैं या तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी तो ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोड है तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन एब्जॉर्ड ऑन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है ट्राइकस्पिड वॉल्व इज आल्सो कॉल्ड पलमरी वॉल्व कार्डियक वॉल्व राइट एट्रीओ वेंट्रिकुलर वॉल्व या लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व हम ट्राइकस्पिड वॉल्व को और क्या कहते हैं तो दोस्तों इसका राइट right आंसर है थर्ड ऑप्शन राइट एट्रीओवेंट्रिकुलर वॉल्व क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है कि राइट right एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्लेस होता है ठीक है अब इसमें थ्री फ्लैप्स होते हैं आपके आपने पढ़ा होगा और इन्हीं फ्लैप्स या जिन्हें आप कस भी कहते हैं तो उसके मतलब कि वो क्या करता है कि प्रिवेंशन करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू आपके राइट एट्रियम में तो इसलिए ट्राइक स्पीड वॉल को हम लोग राइट एट्री वेंटिकुलर वॉल भी कहते हैं दोस्तों एबिलिटी ऑफ द सेंसर टू तो रिपीट अ मेजरमेंट व्हेन पुट बैक इन द सेम इन्वायरमेंट इज कॉल्ड तो क्वेश्चन है कि एबिलिटी ऑफ द सेंसर मतलब सेंसर की एबिलिटी जो कि रिपीट करती है टू रिपीट अ मेजरमेंट वेन पुट बैक इन द सेम इन्वायरमेंट इज कॉल तो हम उसको क्या कहते हैं उसके लिए एक शब्द क्या है कि हम सेम इन्वायरमेंट में जब सेंसर को रखते हैं तो वहां पे वो मेजरमेंट क्या है कि रिपीट करता है तो इस फिनोमना को हम लोग क्या कहते हैं तो इसका राइट आंसर है दोस्तों इस फिनना को हम लोग कहते हैं रिपीटिबिलिटी दोस्तों एक चीज और इंपॉर्टेंट है सेचुरेशन तो ये सेचुरेशन क्या होता है तो दोस्तों सेचुरेशन एक रीजन है जहाँ पे आउटपुट जो है आपका चेंज नहीं होता इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट मतलब आप जितना भी इंक्रीज़ कर रहे हो इनपुट को वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आउटपुट को तो उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सैचुरेशन तो अगर ये भी आपके एग्जामिनेशन में आ गया तो ये भी आप वहाँ पर मैंशन कर दीजिएगा फिलहाल वो सेंसर जो किसी इन्वायरमेंट में रखा जाता है सेम इन्वायरमेंट में तो वो रिपीट करता है अपने आप को तो उसको हम लोग कहते हैं

फिफ्थ क्वेश्चन है ग्लास माइक्रो कैपलरीज आर प्रेफर्ड ओवर और इलेक्ट्रोड्स बिकॉज ऑफ द फॉर्मर अब आपको बताना है कि जो ग्लास माइक्रो कैपलरीज़ हैं हम लोग उनको प्रेफर करते हैं इन कंपेरिजन टू मेटेलिक इलेक्ट्रोड क्योंकि ग्लास माइक्रो कैपलरीज का अब वो कौन सी क्वालिटी है जिसकी वजह से हम उसे प्रेफर करते हैं पोलराइजेस विद इनपुट करंट डज नॉट हैव सस्टेनेबल करंट कैरिंग कैपेसिटी हैज सस्टेनेबल करंट कैरिंग कैपेसिटी या फोर्थ ऑप्शन हैज लेस कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हस हैज़ सस्टेनेबल करंट कैर कैपेसिटी क्योंकि दोस्तों जो इनका सरफेस एरिया होता है वो काफ़ी बड़ा होता है ठीक है तो इसलिए ये जो ग्रास माइक्रो कैपलरीज हैं वो प्रेफर की जाती हैं ओवर मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स के एस दे हैज़ सस्टेनेबल करंट करिंग कैपेसिटी क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ़ दी फॉलोइंग इज नॉट अ डायनेमिक प्रॉपर्टी तो इसमें से कौन सी डायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है मतलब कि जो भी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था तो आपको बताना कि कौन सी डायनमिक प्रॉपर्टी नहीं है और ये मैंने हर बैच को बताया दोस्तों ये ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन देते हो ऑनलाइन तो हम लोग कई बार स्क्रीन में पढ़ते पढ़ते हम लोग उचित ध्यान नहीं दे पाते हैं और वहाँ पर हम लोग नॉट शब्द नहीं देखते हैं इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर कहा जा रहा है कौन सी डायनमिक प्रॉपर्टी नहीं है सेचुरेशन सेटलिंग टाइम रिस्पॉन्स टाइम या फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स और इसका राइट आंसर दोस्तों सेचुरेशन अभी मैंने आपको बताया था कि आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता भले ही हम इनपुट में जो भी चेंज लाते रहें दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेवन विच रिदम इज़ द प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ द ई जी दैट इंडिकेट्स द अलर्टनेस ऑफ द ब्रेन तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट ऑफ ई जी जो कि अलर्टनेस ऑफ द ब्रेन को दिखाता है तो कौन सी रिदम है थीटा रिदम होती है अल्फा रिदम होती है बीटा रिदम होती है गामा रिदम तो दोस्तों क्वेश्चन में ये साफ कर रहा है कि जब हम ई देखते हैं तो ये कैसे हमें पता लगता है कि ये अलर्टनेस ऑफ द ब्रेन को आ, वहाँ पे दिखा रहा है तो कौन सी रिदम देख के हमें पता चलता है ग्राफ में थीटा रिदम एल्फा रिदम बीटा रिदम या गामा रिदम तो दोस्तों अलर्टनेस ऑफ द ब्रेन इज शोन बाय अल्फा रिदम क्वेश्चन नंबर एट लिनियरिटी ऑफ ट्रांसड्यूसर इज और आपके ऑप्शन है Closeness of the transducer's calibration curve to a special curved line within a given percentage of full scale output. Closeness of the transducer's calibration curve to a special curve within a given percentage of half scale output. Yeah. Closeness of the transducer calibration curve to a special straight line with a given percentage of half scale output. Yeah, closeness of the transducer's calibration curve to a special. स्ट्रेट लाइन विथ इन आ गिविन परसेंटेज ऑफ फुल स्केल आउटपुट तो दोस्तों आपको यहाँ पे कर्ड लाइन फुल स्केल आउटपुट है फिर इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे कर्ड विथ हाफ स्केल आउटपुट है फिर थर्ड में स्ट्रेट लाइन विथ हाफ स्केल आउटपुट है फिर फोर्थ में स्ट्रेट लाइन विथ फुल स्केल आउटपुट है तो आपको बताना है लिनियरिटी ऑफ ट्रांसजिजर क्या होती है और इसका राइट right आंसर है दोस्तों क्लोजनेस ऑफ द ट्रांसड्यूसर कैलिब्रेशन कर टू ए स्पेशल स्ट्रेट लाइन विद इन गिवन परसेंटेज ऑफ फुल स्केल आउटपुट क्वेश्चन नंबर नाइन जनरली व्हाट इज द मटेरियल ऑफ नीडल इलेक्ट्रोड तो आपको बताना है नीडल इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से जनरली बना होता है कॉपर आयरन स्टेनलेस स्टील या लेड तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि नीडल इलेक्ट्रोड किस मटेरियल से बना होता है कॉपर आयरन स्टेनलेस स्टील या लीड से और इसका राइट right आंसर है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर वायरलेस ई सी जी एक्वायरिंग सिस्टम प्री जेल डिस्पोजल इलेक्ट्रोड्स स्मार्ट पैड लिम्ब इलेक्ट्रोड्स या पेस्टलेस इलेक्ट्रोड्स आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वायरलेस ई सी जी एक्वायरिंग सिस्टम है

दोस्तों फॉर मैन्युफैक्चरिंग माइक्रो इलेक्ट्रोड्स हम लोग प्रेफर करते हैं टंगस्टन को क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व व्हाट इज द सिग्नल एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ ईईजी तो आपको बताना है सिग्नल एम्पलीट्यूड ऑफ ई जी टू 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 थाउजेंड मिली वोल्ट टू 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 हंड्रेड माइक्रोवल्ड्स टू 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 थाउजेंडें माइक्रोवल्स या टू 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 हंड्रेड मिली वोल्ड्स और इसका राइट right आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड टू 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 हंड्रेड माइक्रो वोल्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी नॉर्मल ई ई जी फ्रीक्वेंसी रेंज तो आपसे नॉर्मल ई जी रेंज पूछा जा रहा है पॉइंट जीरो फाइव टू फाइव हर्ट्स वन टू टू हंड्रेड हर्ट्स पॉइंट फाइव टू फिफ्टी हर्ट्स फिफ्टी टू फाइव हंड्रेड हर्ट्स इसका राइट आंसर है दोस्तों टू तो नॉर्मल की वो होती है 50 well have, तो आपको बताना है दे हैव हाई कॉन्टेक्ट इम्पीडेंस नेग्लिजिबल कॉन्टेक्ट इम्पीडेंस लो कॉन्टेक्ट इम्पीडेंस या जीरो कॉन्टैक्ट इम्पीडेंस एंडस कॉप इलेक्ट्रोड अ हाई कॉन्टेक्ट इम्पीडेंस now question number 15 cells depolarize and action potential is generated as soon as stimulus is applied this statement true or hai hai false cells depolarize and action potential is generated as soon as a stimulus is applied तो दोस्तों यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है क्योंकि इतनी जल्दी आपका सेल डिप्लोराइज एक्शन पोटेंशियल एज सुन ए स्टिमुलस इज अप्लाइड नहीं होता है थोड़ा उसमें टाइम लगता है उसमें और भी प्रोसेस होते हैं तो इसलिए यहाँ पे ये सेंटेंस आपका फॉल्स है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन द एबिलिटी ऑफ द सेंसर टू सी स्मॉल डिफरेंसेज इन रीडिंग इज कॉल्ड तो आपको बताना है कि सेंसर की वो एबिलिटी जो कि स्मॉल डिफरेंसेज इन रीडिंग को भी पकड़ लेती है उसको हम क्या कहते हैं लिनियरटी ऑफसेट सेट रिजोल्यूशन या ड्रिफ्ट इसका राइट आंसर दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द अनवांटेड सिग्नल एट द आउटपुट ड्यू ईदर टू इंटरनल सोर्स और टू इंटरफ्रेंस इज कॉल तो आपको बताना है कि जो अनवांटेड सिग्नल आपको आउटपुट पर दिखते हैं ठीक है या तो वो इंटरनल सोर्स की वजह से होते हैं या इंटरफ्रेंस के द्वारा उत्पन्न हुए होते हैं वहाँ पर तो उसको हम लोग क्या कहते हैं थ्रेस होल्ड नॉइस करेक्ट ड्रिफ्ट या ऑफसेट तो दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं नॉइस करेक्ट मेटेलिक माइक्रो इलेक्ट्रोड्स हैव इम्पिडेंस कंपेयर टू कन्वेंशनल इलेक्ट्रोड्स स्मॉलर इक्वल हाई या वेरी हाई तो आपको बताना है कि जो मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो उनमें जो इम्पिडेंस होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल इलेक्ट्रोड्स के वो हाई होता है स्मॉलर होता है इक्वल होता है या वेरी हाई होता है तो दोस्तों दे हैव अ वेरी हाई इंपर्टेंस इन कंपेरिजन टू कन्वेंशनल इलेक्ट्रोड्स ना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन विच आर द फॉलोइंग नॉट प्रेफर्ड फॉर इलेक्ट्रोड मेकिंग दोस्तों आपको बताना है कि आउट ऑफ दिज फोर ऑप्शन विच मटेरियल इज नॉट यूज फॉर द इलेक्ट्रोड मेकिंग स्टेनलेस स्टील सिल्वर सिल्वर क्लोराइड कॉपर या गोल्ड तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील को हम प्रेफर नहीं करते हैं फॉर इलेक्ट्रोड मेकिंग के लिए फिर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है आज का कि डिस्टर्बेंस इन द ईईजी पैटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम दी एक्सटर्नल स्टमिलाई इज कॉल्ड ई रेस्पॉन्स प्रोवोक्ड रेस्पॉन्स इम्पल्स रेस्पॉन्स या कुक्ड रेस्पॉन्स और दोस्तों मैं ये बता दूं कि सिंपली आप ये क्वेश्चन नोट डाउन करते चलिएगा जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं और आप देखोगे कि आराम से आपके पास हज़ार से डेढ़ हज़ार तक के एम आपके पास कलेक्ट हो जाएंगे ऐसा ही दोस्तों जीपैट के समय भी हुआ था और ऐसे ही दोस्तों आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम लोग डेली आपको किसी दिन ट्वेंटी एम लाएंगे और कभी आपके लिए फिफ्टी लाएंगे और कोशिश मेरी दोस्तों रहेगी कि मैं आपके लिए पूरे का पूरा सेट भी लाऊँ किसी दिन की टू क्वेश्चन का आपको पूरा सेट भी दूँ तो दोस्तों आपके पास कलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज बहुत हो जाएंगे और सिलेक्शन का एक क्राइटेरिया ये भी है कि आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज को टैकल किए रहोगे तो उसमें से एमसीक्यूज आने के भी चांसेस रहेंगे और आपका जो थोरिटिकल स्टडी होती है तो उसका भी आपका जो माइंड है वो भी वहाँ पर ब्रॉड सेंस में काम करता है तो इसलिए एम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एम हम लोग यहाँ पर नए नए लाते हैं और वही लाते हैं जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत है तो आपको इस प्लेटफॉर्म में सब कुछ मिलेगा दोस्तों स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है काफ़ी बच्चे उसमें से पढ़ाई कर रहे हैं अभी टेस्ट सीरीज़ भी आपको मिलेगा और दोस्तों ये जो है रैंकर सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो आपको मिलती रहेगी तो दोस्तों बस हमसे यूँ ही बने रहिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालते हैं तो आपकी कोई भी डिसकॉन्टिन्यू ना हो पढ़ाई में ठीक है आपको सबसे पहले पता चल जाए कि ये वीडियो आई है और आप उसको देख सकते हैं तो इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करिएगा चैनल अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा शेयर करने से दोस्तों ये फायदा है पहली चीज़ हमें तो ये फ़ायदा है कि हमारी फैमिली बढ़ेगी लेकिन आपको इससे ये फ़ायदा होगा दोस्तों कि और भी जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आएंगे तो ये क्या है कि उनके मन में भी जो कन्फ्यूज़न चल रही है उनको किसी स्पेसिफ़िक चीज़ में वीडियो चाहिए जो आपकी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है तो क्या है कि आपका भी उसमें एडवांटेज है ये सीधे में समझिएगा कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो केवल हम ही को फ़ायदा है बल्कि यहाँ पे सबको फ़ायदा है एज अ फैमिली जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं उनको एज अ फैमिली ले चलता हूँ तो यहाँ पर सलेक्शन हमारा मोटो है आपको देना उसी तरह सेलेक्शन आपका भी मोटो होना चाहिए कि इस बार ही सिलेक्शन ले लें तो दोस्तों यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि डिस्टर्बेंस इन दी पैटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल स्टमलाइज कॉल्ड और इसका राइट आंसर है दोस्तों इट इज़ कॉल्ड इवोट रेस्पॉन्स तो दोस्तों ये है आज के लिए 20 क्वेश्चन अब इस तरह करके आपके पास रैंकर सीरीज आती रहेगी स्टडी मटेरियल आपने नहीं लिया दोस्तों तो बहुत ही इकोनॉमिकल प्राइस में आपको अवेल है उसको लीजिए वहाँ सारे थेरेटिकल पार्ट कर ला रही है और टेस्ट सीरीज़ भी आपकी एक महीने बाद तुरंत आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी आ रही है तो बस इसको आप लगा के जाओगे तो आपको जैसे मैंने कल दिखाया ये सीट मैट्रिक से कि एट सीट्स हैं जो कि वहाँ पर बढ़ सकती हैं तो आप ये समझ के चलो दोस्तों कि आपके पास साढ़े सीटें हैं जो कि बहुत होती हैं तो आप इसमें लग जाओ और ये नाइपर एग्जामिनेशन आप इजीली क्वालीफ़ाई कर लोगे थैंक यू टेक केयर बाय बाय